नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल अग्रवाल। मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ अन अकेडमी पर। आप मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस नए लेक्चर की। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ द स्टेप डाउन चॉपर, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसी की हम लोग आज स्टेडी स्टेट एनालिसिस करेंगे, कुछ फॉर्मूले वगैरह निकालेंगे, तो वो सब हम लोग करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको रेट, रिव्यू एंड कमेंट करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो अगेन फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे थे स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैं सब एमटेक कर रहा हूँ पावल टॉनिक से, फ्रॉम एनआईटी त्रिची। गेट 2016 में मैंने 586 रैंक स्कोर करी थी, और इस वक्त मैं बजाज ऑटोमोबाइल्स में प्लेस हो गया हूँ। तो आइए दोस्तों, आप शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो ये हम लोग पहली डिस्कस कर चुके थे, ये स्टेप डाउन चॉपर का ये पूरा पावर सॉकेट होता है, और ये सारी वेवफॉर्म्स हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मैं आप स्टेप बाय स्टेप फॉर स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, जब ये स्विच ऑन हो जाएगा उस केस के लिए, और जब स्विच ऑफ होगा उस केस के लिए, मैं इसकी स्टेडी स्टेट एनालिसिस करूँगा। उसमें हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह निकाल के कुछ अच्छी अच्छी क्वेश्चंस, कुछ अच्छे अच्छे टर्म्स निकालेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब आपका ये स्विच ऑन हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये ऐसे स्विच ऑन हो गया तो एल डी आई बाई डी टी प्लस आई इन टू आर ए प्लस ई बी इजिकल टू वी एस, ठीक है, ये मैंने लिख रखी है यहाँ पे। और जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो स्विच ऑफ में क्या हो रहा है आपका, स्विच ऑफ के केस में आपका ये जो वी एस है यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको, सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जा रहा है, तो वी एस आपका जीरो हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन आ रही है आपकी टी ऑन और टी के बीच में, और ये आ रही है आपकी जीरो टू टी ऑन के बीच में। अब मैंने क्या किया, ये आपका मैंने दिखा रखा है एक रफ ग्राफ दिखा रखा है आई नॉट का, कि ये आपका चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग, चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग, यहाँ पे टी ऑन है, यहाँ पे आपका टी है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। अब मैंने क्या किया, इसका मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, यहाँ पे इसको मैं इधर ले गया, ठीक है, मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। आपको पता है अभी आई एम एन कहाँ सा है, इनिशियल कंडीशन है, मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो स्टेडी स्टेट में इसकी ऐसी वेवफॉर्म बनेगी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है आई एम एन, तो यहाँ पे मैंने इसलिए आई एम एन ले लिया स्टेडी स्टेट के लिए, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने इसका लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और उसमें मुझे क्या मिल रहा है, इनिशियल कंडीशन मेरी क्या है, पहले मैं इसके लिए निकाला इसके लिए, तो इसके लिए इक्वेशन ये है, ठीक है, उसमें इनिशियल कंडीशन ये है। अब मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, जब आपका एल डिस्चार्ज हो रहा है उसके लिए इनिशियल कंडीशन मेरी आई एम एक्स है, ठीक है। अब मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। तो मैंने ऐसा आई एस की वैल्यू निकाल ली, आई एस की वैल्यू को निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट किया इधर, फिर मैंने ऐसे आई टी निकाल लिया, आई टी निकाला आपने इस, ये आपका आई टी आ गया, ठीक है। फिर अब मैं इसको निकाल रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैंने सेम जैसे पहले आई एस को मैनिपुलेट किया था, बिल्कुल सेम मैनिपुलेट करके मैंने यहाँ से भी आई टी निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या है मेरा, मुझे आई टी डैश मिल गया, जो आपका जब आपका एल डिस्चार्ज हो रहा है वो, और मुझे एक इक्वेशन यहाँ मिल गई जो आपका एल चार्ज हो रहा है वो। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं t इजिकल टू टी ऑन, तो यहाँ देखिए, जब t इजिकल टू टी ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे आपका i की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई मैक्स हो जाएगी। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, जबकि l चार्जिंग के टाइम पे है, तो अगर मैं t इजिकल टू टी ऑन रख दूँ तो आपका i क्या हो जाएगा, आई मैक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आई मैक्स रख दिया और t की जगह टी ऑन रख दिया, ये देखिए आप, आई मैक्स रख दिया और t की जगह टी ऑन रख दिया, और टाओ ए मैंने यहाँ पे टाओ और बात ये की है एल बाई आर जो आपका टाइम कॉन्स्टेंट है। ऐसे में अगर बात करूँ, जब आपका एल डिस्चार्ज हो रहा है, तो जब जब आपका टी इजिकल टू टी जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो डिस्चार्ज के केस में वो आई एम एन के बराबर हो जाएगा आपका करंट, ठीक है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पर रख दी इस इक्वेशन में, या आपका स्मॉल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी के बराबर, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, तो वो आई एम एन के बराबर हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। आपको आई एम एन मिल गया और आई एम एक्स मिल गया, यहाँ भी एक आई एम एन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक आई एम एक्स प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, या तो आप उसको यहाँ रख दीजिए, या फिर आप उसको इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करके आई एम एन और आई एम एक्स निकालूंगा, या आप जानते हैं निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल हैं, तो उससे आपको आई एम एक्स की वैल्यू मालूम पड़ेगी, आई एम एन की वैल्यू मालूम पड़ेगी, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। ये कैसे आई अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, खाली आपको रिप्लेसमेंट करना आपका आ जाएगा ईजिली। इन इक्वेशन को आपको याद रखना है, ठीक है, आपके फॉर्मूले, आपको ये फॉर्मूले दे दो, इनको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन करने में काम आती हैं। अब मैंने क्या, मैंने डेल्टा आई नॉट निकाला, डेल्टा आई नॉट क्या होता था, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर डेल्टा आई नॉट होता था, ठीक है, वो क्या होगा, आई एम एक्स माइनस आई एम एन, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा आई नॉट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर निकाला,
इसको मैं बोल रहा हूँ रिपल करंट, आई एम एस माइनस आई एम एन, आई एम एक्स और आई एम एन की वैल्यू मैंने पीछे से रख दी, यहाँ से जो मैंने निकाली थी अभी, ठीक है, मैंने रख दी। अब मैंने ये किया, इसको मैंने जो ई मेरा जो टी बाई टी ए है उसको मैं क्या ले सकता हूँ, जो मेरा टी ए है क्या है, टी मेरा टी ऑन प्लस टी ऑफ है, ठीक है, तो मैं इसको अगर मैं पुट करूँगा तो इसको इस फॉर्म में ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ ऊपर नीचे ई माइनस टी बाई टी ए का, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसको पुट कर दिया इस फॉर्म में ऊपर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मैनिपुलेशन किया, उसको देखिएगा, और मैंने टी ऑन की जगह अल्फा टी रखा और टी ऑफ की जगह वन माइनस अल्फा टी रखा, ये आपको पता है, और मैंने आप पुट कर दिया, तो ये आपका डेल्टा आई नॉट की वैल्यू आ गई इस तरीके से, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ कर रखी है। अब मैं आपको ये तो बताऊंगा नहीं प्लस माइनस कैसे हो रहा है, वो इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ ना मैं, अब मैं मैक्सिमम रिपल करंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ कि मैक्सिमम जो मेरा रिपल है वो कितना हो सकता है। तो आप जानते हैं, आपको इक्वेशन दे रखी है, अगर आपको मैक्सिमम रिपल करंट निकालना है तो आप जो आप डिफरेंशियल में जाइए, तो आपने डिफरेंशिएशन बोला था वहाँ पे जाइए, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, फिर आपको कंडीशन मिलती है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर आप अगर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कंडीशन आएगी अल्फा इज इक्वल टू 0.5 पे, तो 0.5 पे आपको इस डेल्टा आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जिनको नहीं पता मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, हम लोग पहले डिफरेंशिएशन करते हैं इस तरीके से, ठीक है, फिर आपको एक वैल्यू मिलती है, फिर आप क्या करते हैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं कि आपको मैक्सिमम मिला है मिनिमम मिला, अगर नेगेटिव होता तो मैक्सिमम मिलता था, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके आप देखते थे, तो उससे आपका अगर वो नेगेटिव मिल रहा है तो आप जो आपकी वैल्यू निकली इससे वो आपकी क्या है वैल्यू फॉर द मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम लोग करते थे, आपको मैं रिकॉल करा दिया। तो अगर मैं ये वैल्यू अगर मैं इसे पुट कर दूँ तो मुझे आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, मैंने पुट कर दी यहाँ पे, तो मुझे आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ, यहाँ देखिए बाप, ये देखिए ये एक तरीका स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा था ना यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लिया इसको, ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो दो टर्म इसमें से कैंसिल हो गई ऊपर वाली, आपका ये बचा। फिर मैंने इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये इस फॉर्म में बन गया। अब मुझे टेन एक्स जो टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, तो वो क्या होता है ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, तो ये वही फॉर्मूला है सेम, तो मैंने पुट कर दिया, आपका ये वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। इसमें टी की वैल्यू मुझे पता है, टाइम पीरियड है तो वन बाई एफ, और टी ए क्या है मेरा एल बाई आर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टी जो है वन बाई एफ है, तो एफ क्या है मेरा बहुत हाई है, आपको बता था हम लोग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो टी की वैल्यू काफ़ी कम रहेगी, और टी ए मेरा क्या रहेगा, तो ये अगर टी की वैल्यू जब कम रहेगी ना तो ये पूरी टर्म काफ़ी छोटी रहेगी, इसलिए इस पूरी टर्म को मैं खाली इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ। देखिए अब टी की वैल्यू काफ़ी कम है, इसलिए आप इस तरीके से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आपने रिप्लेस कर दिया। आपको बताया मैक्सिमम रिपल करंट की वैल्यू 0.5 पे आती है, तो इस केस में आपका जो ये तो कांस्टेंट मान लूँ, आपका जो डीसी वोल्टेज है वो कांस्टेंट है इनपुट, अगर आर ए अगर आपका कांस्टेंट है तो मैं अगर मानूँ इसको मैं लिखूँ वन बाई एफ और इसको मैं लिखूँ एल बाई आर ए, तो आर ए से आर ए कट जाएगा आपका, ठीक है, तो बचेगा आपका एल, तो ये आपका आ गया डेल्टा आई नॉट का फॉर्मूला। तो आपको डेल्टा आई नॉट जो आपका रिपल करंट है अगर उसको कम करना है तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करना पड़ेगा, आप देख पा रहे हैं मैं आपको बताया था हाई फ्रिक्वेंसी पर हम लोग काम करते हैं, अगर आपको डेल्टा आई नॉट को कम करना है तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करना पड़ेगा, या फिर आप इंडक्टर का साइज बढ़ाइए, ये दो ऑप्शन है आपके पास। तो इनसे हम लोग क्या करते हैं डेल्टा आई नॉट को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेल्टा आई नॉट हमको कम चाहिए, रिपल करंट हमको कम चाहिए, तभी तो हमारे हार्मोनिक्स कम होंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है प्योर डीसी, हमारे आउटपुट पे प्योर डीसी चाहिए करंट की भी। अब यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने डिफरेंट डिफरेंट टी ऑन के लिए कंडीशन दिखाई है। यहाँ देखिए मान लीजिए आपका टाइम पीरियड ये है टी इतना, ठीक है, अब सम टाइम पीरियड दिस मेरा स्विचिंग मैं कर रहा हूँ और मैं कुछ टी ऑन फोर के लिए मान लीजिए इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए वो इंडक्टर आपका चार्ज हुआ यहाँ तक, ठीक है, फिर वो डिस्चार्ज हुआ, फिर अगेन मूव करना स्टार्ट कर गया, तो ये आपका देखने कॉन्टिन्यूस बन रहा है आपका, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बन रहा है, कहीं डिसकॉन्टिन्यूस तो हुआ नहीं करंट आपका। अब मैंने एक ड्यूटी रेशियो कम कर दिया, ड्यूटी रेशियो कम करने का मतलब क्या है, ड्यूटी रेशियो क्या होता है टी ऑन बाई टी, तो टी तो मेरा फिक्स है, तो मैं ड्यूटी रेशियो मुझे कम करना है तो मैंने टी ऑन को कम कर दिया, ठीक है, तो मैंने टी ऑन को कम कर दिया, मैं यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं आप, तो मेरी कंडीशन बन गई ये। अब मेरा जो करंट है अभी भी कंटिन्यूस है, लेकिन अगर मैं इसके नीचे फर्दर नीचे जाता हूँ तो मेरा करंट क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए टी ऑन की वैल्यू अगर मैं फर्दर घटाता हूँ और मैं ड्यूटी रेशियो फर्दर घटाता हूँ
तो मेरा करंट क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। देखिए आप ऐसे यहां पे आएगा डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ये आपका करंट इस तरीके से आया और ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आएगा, ऐसे ये इस तरीके से आएगा। अभी तक क्या था आपका, ये कॉन्टिन्यूस हो जा रहा था। अब क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा, डिसकॉन्टिन्यू हो गया, फिर आपका आगे नेक्स्ट साइकिल के लिए वो चार्ज होना शुरू होगा। तो बीच में क्या हुआ, कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी का पीरियड आ गया। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मेरे को पता है कि इस पॉइंट पे आके ये जो मेरा ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ये मेरा बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, कि इसके अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरा क्या हो जा रहा है, ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस हो जा रहा है और इसके इधर कॉन्टिन्यूस हो जा रहा है। तो मुझे ये बाउंड्री कंडीशन निकालनी है, ठीक है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस ड्यूटी रेशियो के लिए मेरा जो ग्राफ है, मेरा जो करंट है, वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जा रहा है। तो मैं वो निकालने की कोशिश करूंगा, तो उसको हम निकालेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वो काफ़ी बड़ा, उसकी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस पॉइंट पे आके हमारा जो लोड करंट है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जा रहा है। तो मैं आपको यहीं पर छोड़ता हूँ अभी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा इस पूरी एनालिसिस में, ठीक है। आपको फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने, एक ये आप ये अंडरस्टूड सा है, आप इसको याद रखिए, तो इससे आप निकाल सकते हैं इजिली। एक तो आपका ये हो गया एक, उसके अलावा आपका दो फॉर्मूले ये हो गए आपके, ये वाले आई मैक्स का और आई मिन के दो, ठीक है। बस ये तीन फॉर्मूले याद रखिए। अगर आप थोड़ा ज़्यादा जोर लगा पाएँ तो इसको याद रख लीजिएगा, डेल्टा आई नॉट का, ठीक है। तो हालांकि क्वेश्चन आते नहीं हैं इन पर, लेकिन आपके बीटेक के एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं, गेट में तो नहीं आते हैं खैर, लेकिन बीटेक में पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है दोस्तों। तो उस लेक्चर में खाली इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो रेट रिव्यू एंड रिकमेंड करना ना भूलें मुझे, और इस नीचे रिकमेंड का बार है, इसको प्रेस करके मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको। ऊपर एक फॉलो टैब है, उसको प्रेस करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे एक लिंक है, इस लिंक का इस्तेमाल करके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अंत में मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आपने मेरा लेक्चर सुना। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। आपको कोई भी चेंज चाहिए मेरे वे ऑफ टीचिंग में तो वो भी बताइए, मैं पूरी इसको करने की कोशिश करूंगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।